हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है वैलेंटाइन स्पेशल एगलेस मिरर ग्लेज रेड वेलवेट केक विद एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेकिंग टिन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे और बटर पेपर लगाकर एक बार वापस ग्रीस कर लेंगे। अब एक बाउल में हम हाफ कप दूध लेंगे, उसमें एक टीएसपी विनेगर ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका बटर मिल्क रेडी हो जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं और इसका बटर मिल्क रेडी हो गया, एक बार हम वापस मिक्स कर लेंगे। अब इस बटर मिल्क में हम हाफ कप पिसी हुई चीनी, एक चौथाई कप तेल और हाफ टीएसपी वैनिला एसेंस ऐड करेंगे और एक बार इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम छन्नी लेके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। एक कप प्लस एक चौथाई कप मैदा, 1 टीएसपी कोको पाउडर, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर, 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर अब बहुत थिक हो चुका है तो अब हम इसमें 3-4 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम 5-6 ड्रॉप्स ऑफ जेल रेड फूड कलर ऐड करेंगे और एक बार वापस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए। अब ये रेडी है, अब हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में डाल देंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। इस केक को हम 180 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। केक बेक करके अब रेडी है और 3 घंटे के लिए मैंने इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए टेबल पे छोड़ दिया था। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केक कितना इजीली डीमोल्ड हुआ है और इसका स्पॉन्ज भी कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। अब हम इस केक की आइसिंग रेडी करेंगे। अब हम इस केक को 2 लेयर्स में कट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम इसको ऊपर से लेवल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से भी ये स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। अब हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे, उसे अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक कि उसके स्टीफ पीक्स ना बन जाएं। जो केक का टॉप पोर्शन है उसे हम नीचे रखेंगे और उसे शुगर सिरप से थोड़ा सा सोक कर लेंगे। शुगर सिरप अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब हम इस बेस पर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड करके और लेवल करके हो चुकी है। अब हम केक का दूसरा स्पॉन्ज ऊपर रखेंगे और उसे भी अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम लगाकर लेवल कर देंगे। आप कोई भी ऐसा स्क्रैपर ले सकते हैं और उससे अच्छी तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं। केक की फिनिशिंग हो चुकी है, अब हम इसके ग्लेज को रेडी करेंगे। अब हम एक पतीली में हाफ कप फ्रेश क्रीम लेंगे और उसे गरम करेंगे। हमें इसे बॉईल नहीं करना। अब क्रीम अच्छी तरह से गरम हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे 50 ग्राम व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया है। अब हम इस गरम क्रीम को इस कंपाउंड चॉकलेट के ऊपर डाल देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इस चॉकलेट और क्रीम को साइड में रख देंगे और 5 मिनट होने के बाद स्पून से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें ये तैयार किए हुए मिश्रण को कोई भी छन्नी से छान लेना है। अब हम इस मिक्सचर में 4-5 ड्रॉप वाइट जेल कलर के ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल या फिर जिसे पाइपिंग जेल कहा जाता है वो ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
कोई भी ऐसा वायर रैक लेके उसके नीचे हम प्लेट रखेंगे और केक को इस रैक के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। केक को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि आइसिंग अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब जो व्हाइट चॉकलेट हमने प्रिपेयर की थी, हम उसमें 4 से 5 ड्रॉप रेड फूड जेल कलर के डालेंगे। ये कलर डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, बस ऐसे ही इसे केक के ऊपर डालते जाना है। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये व्हाइट चॉकलेट का टेम्परेचर बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर ल्यूकवार्म होना चाहिए। इस केक को अब हम टैप कर लेंगे और इसे फिर केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस केक के साइड्स पे हम व्हिपिंग क्रीम लेके डिज़ाइन कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मिरर ग्लेज रेड वेलवेट केक विथ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रेडी है। इस केक को मैंने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब हम इसे कट करेंगे। ये रेड वेलवेट केक बनके इतना सॉफ्ट एंड डिलीशियस रेडी हुआ है और इसके लेयर्स भी इतने परफेक्टली दिखाई दे रहे हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। थैंक यू।